नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने लोअर बैक की बात करी थी। अगर आपको लोअर बैक में कोई दर्द होता है या कोई परेशानी है तो मैंने बहुत ही सरल 3 आसन आपको बताए थे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे शोल्डर्स यानी कि जो कंधे हैं और अपर बैक जो मसल्स हैं, हमारी जो स्पाइन है उसके ऊपर का जो हिस्सा है, हमारी पीठ का जो ऊपर का हिस्सा है, कई बार हमारे इसमें दर्द होता है। हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनमें दर्द होता है पीछे, तो इनको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या इसके लिए क्या उपाय है वो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए चलिए जानते हैं 3 सरल आसन जिसके द्वारा हम अपने शोल्डर्स या अपने अपर बैक मसल्स को किस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं इन 3 आसनों के द्वारा। चलिए, पहला आसन है सर्पासन। तो इसके लिए हम अपने पेट के सहारे अपने मैट पे लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, अपने हाथों को अपने पीछे ले जाकर अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, लोअर बैक मसल्स को खींचते हुए अपने आप को ऊपर की ओर उठाएंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले हमारा सर, फिर हमारे शोल्डर्स, फिर हमारे चेस्ट और हम अपने आप को नाभि तक पूरा खींच के पीछे की ओर उठाना है। हमारा दूसरा आसन है मर्जरी आसन, इसको कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। इसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा। नाउ रेज द बटक्स एंड स्टैंड ऑन द नीज, लीन फॉरवर्ड एंड प्लेस द हैंड्स फ्लैट ऑन द फ्लोर beneath the shoulders with the fingers facing forward. The hand should be in line with the knees. The arms and thighs should be perpendicular to the floor. Inhale while raising the head and depressing the spine so that the back becomes concave. Exhale while lowering the head and stretching the spine upward. At the end of exhalation, contract the abdomen and pull in the buttocks. The head will now be between the arms facing the thighs. Hold the breath for 3 seconds, accentuating the arc of the spine and the abdominal contraction. This is 1 round. Third pose is Kandhar Asan, that is the shoulder pose. Now lie flat on the back, bend the knees, placing the soles of the feet flat on the floor with the heels touching the buttocks. Grasp the ankles and the hands. This is the starting position. Raise the buttocks and the arc the back upward. Raise the chest and navel as high as possible without straining, pushing the chest up towards the chin and head, but without moving the position of the feet or shoulders. Keep the feet flat on the floor. In the final position, the body is supported by the head, neck, shoulders, arms and feet. Hold the pose for as long as is comfortable and then lower the body to the starting position. Release the ankles and relax the legs outstretched. तो ये जो 3 आसन थे, ये 3 पोज जो हमने अभी आपको बताए, इससे आपके शोल्डर्स के, अपर बैक के जो मसल्स हैं, इसमें पूरा रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द या तकलीफ है तो आप इन 3 आसनों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आप आधे घंटे तक या जितना भी देर आप कंफर्टेबल हैं उतनी देर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके शोल्डर्स और अपर बैक मसल्स में बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ और आसनों को या और किसी बीमारी के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो आपका वीडियो बनाएं। धन्यवाद।